से अनेकानेक गलतियां हुई हैं, बहुत सारे दोष लगे हैं और बहुत सारे पाप का अर्जन किया है। तो आज दोनों हाथों को जोड़ करके प्रायश्चित लेंगे, बोलेगा हे परम पिता परमात्मा, हे परम श्रद्धेय देव शास्त्र गुरु, आज हम आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी में पूजनीय गर्णी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी के द्वारा दिया गया प्रायश्चित ग्रहण कर अपने दोषों की आपसे आलोचना कर अपने जाने अनजाने में अभी तक इस क्षण तक जो भी दोष लगा है, गलती हुई है, अपराध हुआ है, उसे क्षय करने की भावना से प्रायश्चित ग्रहण कर रहा हूँ आपका प्रायश्चित। ध्यान से सुनिए, पर्युषण पर्व आने वाला है, 10 दिन व्रतों में बाहर का खाने का त्याग है। ध्यान से अच्छे से, जैसे आपको चाय पीनी है, चाय पत्ती यद्यपि अशुद्ध होती है, व्रतों में नहीं पीनी चाहिए, फिर भी यदि पीनी है तो घर की, बाहर नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुसिल परिग्रह बहुत बड़े पाप हैं, सप्त व्यसन बहुत बड़ा, और अष्ट मूल गुण का त्याग जो नहीं किया था बहुत बड़ा पाप। तो 10 दिन तक बाहर की वस्तु का त्याग है। रमोकार मंत्र की 151 माला लगानी है पूरे जीवन में, और 21 दिन तक स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं वो भी स्वाध्याय है, आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं वो भी स्वाध्याय है, आपने जो भी प्रवचन सुना है या पुस्तक में पढ़ा है उसके बारे में सोचते हैं वो भी स्वाध्याय है, और प्रवचन सुनते हैं तो वो भी स्वाध्याय है। ये 3 प्रायश्चित हैं। जो व्यक्ति 10 दिन तक लगातार बाहर की वस्तु का त्याग ना कर पाए, यद्यपि हमें लगता है सब लोग कर सकते हैं, यदि ना कर पाए तो आपको एक एक करके कर सकते हैं, एक बार, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितने भी दिन का हो इस व्रतों में कर लो, अगली साल फिर 2-5 दिन का करके आपको 10 दिन पर्युषण पर्व में बाहर की वस्तु का त्याग करना है। ये तो हुआ आपका प्रायश्चित। इसके बाद आगे यदि आपसे कभी गलती से कोई नियम टूट जाए, कोई दोष लग जाए और आपको पता नहीं था, और पता था तो नहीं करना है, नहीं पता था तो हो गया है, उसके प्रायश्चित के लिए आपको तुरंत भगवान जी से दोनों कान पकड़ करके सॉरी बोलना है, जहाँ पर भी हो भगवान सॉरी क्षमा करना मुझे, और घर पर आकर के अपने हाथ पैर को धो करके चटाई बिछा करके नीचे बैठिए, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठ करके एक माला प्रायश्चित में करेंगे रमोकार मंत्र की, ठीक है ना। तो दोनों हाथों में श्रीफल लीजिएगा और बोलिएगा हे देवाधिदेव, आज मैं शुद्ध मन वचन काय से जीवन पर्यंत के बिना छूट के ये नियम ग्रहण करता हूँ, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और मुझे